पीर महल में भी मौसम खुशगवार हुआ तो लोगों ने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। रमजान बाजारों में आवाम के तहफ्फुज़ के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज समी उर रहमान से। जी समी उर रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से आम सार्फिन को सस्ती और मियारी अशिया की फराहमी के लिए लगाए जाने वाले रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ। आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रात जैसी सर्द हवाएं चली हैं, मौसम खुशगवार हुआ है तो रोज़ादार जो गर्मी के बायस घरों में महसूर होकर रह गए थे, उन्होंने भी रमज़ान बाज़ारों का रुख कर लिया है। इसी हवाले से रमज़ान बाज़ार में ख़रीदारों की एक काफ़ी बड़ी तादाद जो है देखने में आ रही है। इसी हवाले से आपको बताता चलूँ कि ख़रीदारों की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। रमज़ान बाज़ार के दोनों दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट लगाए गए और पुलिस का हमला जो है यहां पर हर वक्त जो है वो तैनात है, चौकस है। इसी हवाले से अभी मेरी पुलिस अफसरान से बात हुई तो उनका यही कहना था कि रमजान बाजार में आने वाले खरीदारों की सिक्योरिटी को जो है फौरी तौर पर जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से जो है यहां पर सख्त इंतजाम किए गए हैं। रमजान बाजार में दाखिल होने वाले जो अफराद हैं उनको वॉक थ्रू गेट से गुजार कर मेटल डिटेक्टर से तलाशी के बाद रमजान बाजार में दाखिले की इजाजत दी जा रही है। इसी हवाले से रमजान बाजार में जो नर्ख है उनकी कीमत को जो है वो यकसा बना। बहुत शुक्रिया आपका। गोजरा में सस्ता रमज़ान बाज़ार में मुख्तलिफ अशिया खुरनोश के स्टॉल्स लगाए गए हैं जिससे शहरी कहीं नाराज़ हो और कहीं खुश दिखाई देते हैं।